हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट मोगे चैनल। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं DRDO CPTM के एग्ज़ाम का जो रिजल्ट आने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी ने अपना अपना एग्ज़ाम दे चुके होंगे और आप सभी को अपने अपने कैटेगरी में आपका कट ऑफ कितना जा सकता है उसके ऊपर हमने एक वीडियो बनाया है। और इस वीडियो के अंदर हम आज बताने वाले हैं आपको वेबसाइट के थ्रू कि कैसे कैसे जो है ऑलरेडी लास्ट ईयर का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो है आपको सेलेक्ट किया गया था कैटेगरी वाइज। तो क्योंकि समझाने की जो संभावना है कि आपका कट ऑफ वो काफ़ी ऊपर नीचे चढ़ाव हो रहा है, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स के जो है मैसेज जो है अच्छे आ रहे हैं कमेंट्स एग्ज़ाम के थ्रू, और कुछ लोगों के जो है मैसेज इतने बेकार आ रहे कि सर पेपर जो है बहुत ही ख़राब गया था, बहुत ही टफ पूछा गया था। तो इसके ऊपर जो है हमने लास्ट ईयर के वीडियो को देखा है, तो लास्ट ईयर का जो कट ऑफ था उसको लेकर हम आज आपके लिए लेकर आए कि देखिए लास्ट ईयर क्या था सिचुएशन। क्योंकि हमेशा जो है लास्ट ईयर से और जब नेक्स्ट ईयर के बीच में फ़र्क होता है वो 4 से 5 नंबर का होता है, उससे ज़्यादा नहीं। या तो आपकी कट ऑफ कम जा सकती है या तो 4-5 नंबर ज़्यादा जा सकती है, यही दो चीज़ें होती हैं। इसलिए हमने एनालिसिस करके आपके लिए इस वीडियो को लाया है। तो इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको अपने अपने कैटेगरी वाइज सब कुछ पता चल सके कि हाँ आप अपने कैटेगरी में कितने मार्क्स से अप्रॉक्सीमेटली हैं और लास्ट ईयर क्या है, क्या रहा सिचुएशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। उससे पहले दोस्तों, अगर अभी तक आपने स्मार्ट न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि स्मार्ट न्यूज चैनल पे आपको लेटेस्ट अपडेट हमेशा सबसे आगे मिलती है। साथ ही दोस्तों, जब भी कोई नया सरकारी नौकरी का फॉर्म आता है तो उसकी अपडेट हम आपको स्मार्ट न्यूज चैनल पर देते हैं, साथ ही उसके फाइनल रिजल्ट तक। जी हाँ दोस्तों, यानी कि हम पूरा फॉर्म के नोटिफिकेशन से लेकर उसके फाइनल रिजल्ट तक, जी हाँ दोस्तों, पूरी की पूरी जानकारी जो है आपको हम स्मार्ट न्यूज चैनल पर प्रोवाइड कराते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो आप देख सकते हैं आपके सामने जो है कट ऑफ मार्क्स फॉर Tier 1 रिटन एग्जाम देख लीजिए, यहाँ पे दिया हुआ है आउट ऑफ 150 मार्क्स ऑब्टेन बाय द लास्ट कैंडिडेट कॉल फॉर Tier 2 रिटन एग्जामिनेशन। तो ये सारी पोस्ट हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं, CPTM का ये DRDO एंट्री टेस्ट 2015 का ये। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं पोस्ट नेम यहाँ पे दिया हुआ है STA B, तो हम STA A में आएंगे सीधा। तो यहाँ पे हम पहले बता देते हैं आपको, यहाँ पे अनरिजर्व्ड है फर्स्ट, नंबर 2 पे SC है, नंबर 3 पे ST है और नंबर 4 पे OBC है। तो ये चीज़ें आपने देख ली यहाँ पे। तो अब हम आपको लेके चलते हैं सीधा STA से, जी क्योंकि हमने जो दिया है। जी हाँ दोस्तों, तो ये हमारा STA आ चुका है, देखिए बुक बाइंडर से। तो बुक बाइंडर देखिए 62 जो है अनरिजर्व के लिए जो गई थी, क्योंकि यहाँ पे बाकी कैटेगरी में कोई भी नहीं था। अब बात करें हम आगे की, तो आगे हमारा आता है कारपेंटर। जी हाँ दोस्तों, कारपेंटर वालों के लिए देख लीजिए कितनी कट ऑफ है, जनरल वालों के लिए 83 थी और यहाँ पे देखिए नंबर 2 पे जो है SC खाली है, नंबर 3 जो है ST खाली है, OBC वालों के लिए 73 गई थी कट ऑफ। यानी कट ऑफ दोस्तों वाकई काफ़ी कम थी, यानी 50% अगर देखा जाए तो अप्रॉक्सीमेटली 50% अगर 73 है तो। केमिकल प्लांट ऑपरेटर के लिए देखिए 76 गई थी जनरल के लिए, बाकी SC ST के लिए नहीं थी। यहाँ पे 52 OBC के लिए, OBC वालों के लिए तो बहुत ही अच्छा था क्योंकि 52 गई थी। कोपा वालों के लिए देख लीजिए, तो कोपा वालों के लिए यहाँ पे कट ऑफ देखिए 77 जो है जनरल के लिए, 72 गई थी आपके SC के लिए, 64 गई थी ST के लिए और 74 गई थी आपकी OBC के लिए। यानी कोपा में जो है कंपटीशन यहाँ पर भी देखा जाए तो 50% के आसपास में ही है, 50 से 52% के अंदर ही, क्योंकि 150 क्वेश्चन का है तो यहाँ पे आपका सीधा सीधा 75 मार्क्स हो जा रहा है। 75 से देखिए यहाँ पे जनरल वालों के लिए 2 नंबर ज़्यादा है 75 से, और बाकी सभी जो है 75 के अंदर, यानी 50% भी नहीं हो रहे उनके, 49 पॉइंट समथिंग में आ जा रहे हैं। तो यहाँ पर कट ऑफ देखिए कोपा वालों की तो काफ़ी जो है मिनिमम एवरेज, जिसे हम कह सकते हैं एवरेज गई है, ज़्यादा कट ऑफ नहीं गई है। लेकिन इस साल के तुलना में जो है पेपर और भी अच्छे टफ आए थे, तो हो सकता है कि कट ऑफ आपको इससे भी नीचे जा सकती है। दोस्तों उम्मीद पे दुनिया कायम है, फिलहाल जो है पेपर का जो एनालिसिस चालू है, जितना जल्दी हो सकेगा आपके लिए जो है वीडियोस बनते रहेंगे दोस्तों अच्छे अच्छे। अब आते हैं कटिंग एंड टेलरिंग में, देखिए 86 था जनरल वालों के लिए, क्योंकि और बाकी पोस्ट के लिए कुछ नहीं था यहाँ पे। ड्राफ्टमैन की बात करें मैकेनिकल के लिए तो 88 गया था जनरल वालों के लिए, और ST के लिए 62 गया था। यहाँ पे देखिए कट ऑफ अच्छा गया था क्योंकि 88 काफ़ी ज़्यादा मार्क्स होते हैं। अब आते हैं DTA ऑपरेटर, जहाँ DTP ऑपरेटर के लिए देखिए जब 58 जनरल वालों के लिए, 58 SC के लिए, ST के लिए 58, OBC के लिए यहाँ पे कोई पोस्ट नहीं थी। यानी 58 ओवरऑल जो थी यहाँ पे कट ऑफ थी DTP ऑपरेटर के लिए। अब आ जाते हैं इलेक्ट्रीशियन, जी हाँ दोस्तों, सबसे जो इम्पोर्टेंट आजकल ट्रेड चल रहा है ट्रेनिंग में वो है इलेक्ट्रीशियन, क्योंकि इलेक्ट्रीशियन वालों काफ़ी स्टूडेंट जो है मैसेज कर रहे हैं सर पेपर जो है काफ़ी किसी के लिए इजी गया, किसी के लिए हार्ड गया। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 93, जी हाँ दोस्तों, अभी तक आपने जितने भी ट्रेड देखे 93 सबसे ज़्यादा जो है इस समय इलेक्ट्रीशियन वालों की है। जी हाँ दोस्तों, इलेक्ट्रीशियन की कट ऑफ हमेशा जो है ज़्यादा ही रहती है। अब देखते हैं नंबर 2 पे जो हमारा SC है, तो वहाँ पे SC नंबर है, ST का तो देख लीजिए यहाँ पे और ज़्यादा 5 नंबर,
और ओबीसी के लिए 90, यानी 90 से 95 के अंदर अगर आप जो है इलिटिशियन ट्रेड में आते हैं तो आपका जो है चांसेस है दोस्तों। और उससे नीचे अगर जाते हैं यानी कि 90 के नीचे रहेंगे तो शायद उम्मीद कम होगी, लेकिन दोस्तों अभी यहाँ पर देखा जाए तो अगर कैटेगरी वाइज हैं तो आप जो है टोटल अगर आपके लिए ओवरऑल कट ऑफ में बताऊँ तो आपको 80 से 90 के अंदर अगर आपके नंबर आ रहे हैं तो आप जो है किसी भी कैटेगरी में हो, जनरल हो चाहे एससी एसटी हो, आपका जो है चांसेस है दोस्तों जो है सेकंड राउंड जाने के लिए। इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स का पेपर काफ़ी इजी गया था। देखिए यहाँ पे भी देखा जाए तो कट ऑफ देखिए कम ही जाते हैं, यहाँ पे 76 गई है जनरल वालों के लिए, 69 गई है एससी वालों के लिए, एसटी के लिए देखिए 66 है और 72 है आपकी ओबीसी वालों के लिए। तो यहाँ पे जो है कटअप जो है ओवरऑल मिक्सर देखा जाए तो ज़्यादा फर्क नहीं है किसी भी कैटेगरी से ज़्यादा। 76 जो है जनरल वालों की है तो एससी की जो है 69 है, यानी 7 नंबर उनसे ज़्यादा है, एसटी के 3 नंबर और कम है, और 72 जो है आपकी गई है ओबीसी की। और जनरल और ओबीसी के बीच का डिफरेंस देखा जाए तो सिर्फ 4 नंबर का डिफरेंस है दोनों के बीच में, तो यानी ओवरऑल 5 नंबर के अंदर जो है सभी लोग समेट गए हैं, किसी का भी नंबर ज़्यादा कम बेसी नहीं है, यानी 76 यानी 50% के आसपास में ही जो है आपका यहाँ पर आ गया है। अब इलेक्ट्रोप्लेटर की बात करें तो यहाँ पे जनरल वालों के लिए 57, यहाँ पे बाकी की पोस्ट नहीं थी तो यहाँ पे 57 अच्छा है दोस्तों। अब बात करें पोस्ट नेम के हिसाब से फिटर के लिए, तो फिटर के लिए देख लीजिए यहाँ पर फिटर के लिए काफ़ी अच्छी कटअप गई, 110 गई थी कटअप जो है फिटर के लिए, और एससी में 104, एसटी के लिए 96, ओबीसी के लिए 108। जी हाँ दोस्तों, फिटर में कटअप बहुत ही ज़्यादा है क्योंकि 110 पहुंच गए, यानी कि फिटर वालों के लिए तो काफ़ी जो है कटअप हाई जाने वाली है। तो फिटर के लिए अगर ओवरऑल मैं अगर आपको कटअप बताऊं तो दोस्तों तो आप जो है 110 से लेके 115 के अंदर आते हैं, तो यह है आप दोस्तों जो है जनरल में अगर आप बिलोंग करते तो आपका जो है सिलेक्शन 101% पक्का है। और अगर आप जो है कैटेगरी में अप्लाई किए हैं तो आपके लिए है कम से कम दोस्तों 98 से लेके, जी हाँ दोस्तों 98 से लेके आपको 105 के बीच में अगर आपका नंबर आता है तो आप जो है फिटर में और कैटेगरी में जो है आप सिलेक्शन हो जाएगा आपका। अब FRP प्रोसेसर का देखें तो 64 है जनरल वालों के लिए, ओबीसी के लिए 68 गया था, यानी ओबीसी की कटअप यहाँ पे जनरल वालों से भी ज़्यादा है दोस्तों। यही मैं आपको हमेशा कहता हूँ, कोई भी कटअप जो है जनरल कैटेगरी वाइज से कोई संबंध नहीं होता, कटअप कभी भी ऊपर नीचे हो सकती है, पेपर्स पर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कितने प्रेजेंट हैं, कितने उसमें टैलेंटेड हैं, सब कुछ डिपेंड करता है, तब जाके कटअप ऊपर नीचे होती है। अब मैकेनिस्ट की बात करें तो 107 नंबर गया है जनरल वालों के लिए, एससी के लिए 93 गई है, एसटी के लिए 82 गया है, ओबीसी वालों के लिए 97 गया यहाँ पे। अब बात करें हम आगे की पोस्ट की, तो आगे की पोस्ट है मैकेनिकल डीजल में अगर देखें तो 108 गया है आपका जो है जनरल वालों के लिए, और ओबीसी के लिए 105 गया है, बाकी दोनों पोस्ट के लिए कोई जगह यहाँ पे नहीं थे। मैकेनिकल लैब टेक्नोलॉजी की बात करें तो 78 गया है यहाँ पे जनरल वालों के लिए, 74 गया है एससी के लिए, 68 गया है आपका ओबीसी के लिए। देखिए यहाँ पे ओबीसी की कटअप जो है कम हो गई है जबकि जनरल का तो है ज़्यादा है, लेकिन एससी की कटअप देखिए यहाँ पे ज़्यादा है जबकि ओबीसी की कटअप कम है, जबकि ऐसा जल्दी होता नहीं है। मोटर मैकेनिक की बात करें तो 94 गया है जनरल वाले के, बाकी के लिए कोई पोस्ट नहीं थी। और फोटोग्राफर की बात करें तो 61 कटअप जाएगी सीटल मेटल वर्कर की, जी है 71 जनरल वालों के लिए, 67 जो है एससी वालों के लिए। टर्नर की बात करें तो 88 जो है जनरल वालों के लिए, 76 आपका एससी के लिए, 74 आपका एसटी के लिए, और 80 नंबर आपका जो है ओबीसी वालों के लिए है। तो इस प्रकार देख सकते हैं आपको जो है कटअप में काफ़ी चेंजेस हो रहा है। यहाँ पे वेल्डर की बात करें तो वेल्डर में अभी आप देख सकते हैं तो वेल्डर में 103 गई कटअप, यानी काफ़ी अच्छा है दोस्तों। अनरिजर्व के लिए कटअप ज़्यादा ही जा रही है, 99 देखा जाए तो एससी के लिए है, 80 देखा जाए तो एसटी के लिए, 92 आपका जो है ओबीसी वालों के लिए है। ये कटअप है आपकी वेल्डर की दोस्तों। अब आ जाते हैं हम ट्रांसलेटर जो है, तो ये हमारा जो है ट्रेड में नहीं आता दोस्तों। तो ये हमारे जो है ट्रेड की जितने भी हैं लिस्ट मैंने आपको बता दिया इस वीडियो के माध्यम से, आपका पिछले बार जब एग्ज़ाम हुआ था और आज का जो एग्ज़ाम हुआ था उसके बीच में क्या डिफरेंस है आप देख सकते हैं। 3 साल का समय बीत चुका है और 3 साल में काफ़ी कुछ बदल जाता है दोस्तों, लेकिन जो है पेपर्स के जो है पैटर्न्स जो है वो बेहतर आते हैं, ज़्यादा टफ होते हैं, यानी कटअप जो है हमेशा जो है कम ही कोशिश होती है, क्योंकि अब जो है पहले के मुकाबले अब पेपर और टफ बन रहे हैं और नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स की संख्या भी कम हो जाती है। क्योंकि मैंने खुद देखा था एग्ज़ाम सेंटर पे जाके तो वहाँ से 150 से 200 जो है इलेक्ट्रीशियन के आए थे, बोरीवली में मैं अपना बता रहा हूँ सेंटर गया था जिनका, वहाँ पर जाके मैंने यहाँ पर एग्ज़ामिन खुद किया था तो वहाँ पर 200 के आसपास में जो बच्चे थे उससे अंदर ही थे। तो इस प्रकार जो है बच्चों की संख्या कम थी समय इलेक्ट्रीशियंस में, तो यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन की कटअप भी कम जाने की पूरी चांसेस है। तो दोस्तों अब देखते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में क्या अपडेट हमें मिलती है, और हमारे जितने भी बच्चे हैं हमें कंटिन्यूसली मैसेज करते जा रहे हैं, और अगर आप भी दोस्तों हमारा वीडियो चैनल देखते हैं तो आप हमें अपना जो है वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, अपने नंबर्स कमेंट कीजिए, अपने विचार कमेंट कीजिए कि सर कितने पेपर्स हैं, आपका क्या क्या ट्रेड है और आपके उम्मीद से क्या क्या आपकी कटअप है। थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी नई अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।